ये हमारी एक असाइनमेंट थी जो कि हमने ऑब्जेक्ट 20 पर बनाई थी। पास्ट पेपर्स जो हमने लिए थे, हमने पास्ट पेपर लिए थे, इसमें रिसर्च 5 पेपर्स लिए थे, उनके हमने असाइनमेंट बनाई थी। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन थीसिस कंसेप्शन है, जो कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस पर ऐसे हमने फोकस किया ओइंग पर, और एडवांस रिसर्च पर जो कि हमारे पास ओके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस और उनका रोल ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। इसका जो रिजल्ट है ना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिगेशन का ऑन दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स पर और प्रेजेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है मौजूदा। फोकस हम करते हैं स्टडी एक्सप्लोरिंग पर, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस पर। इसमें हम स्टडी करते हैं एडवांस रिलेटेड रिसर्च को, जो कि कैटेगरीज होते हैं कॉन्सेप्शन की ऑब्जेक्ट और क्लासेस की, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं क्वान्टिटी रिजल्ट। क्वान्टिटी रिजल्ट के एडिशन में हमारे पास रिगार्डिंग दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्शन, रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्शन भी इंक्लूड होते हैं। हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी यूज़ किया था, जो कि हमारे पास एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, अकेडमी में, एज वेल एज इन मैनी अदर फॉर्म्स और दूसरे बहुत से फॉर्म्स में इंजीनियरिंग डिजाइन के। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो थी वो एक फील्ड थी जो कि इंजीनियर के लिए थी, दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस, जो कि आई थी एग्जिस्टेंस ओइंग में, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जिन्होंने फेस किया था, वेरियस मैनी प्रॉब्लम्स दैट डिवेल्प, जो कि डेवलपर्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था जब उन्होंने डेवलप किया था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को। दिस पेपर एनालिसिस करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में इन द रिसेंट टाइम। एडवांसमेंट जो है ऑब्जेक्ट और टेक्नोलॉजीज की, जो कि हमने एनालिसिस किए हैं, इंक्लूड उसमें हमारे पास इंक्लूड है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन, क्लॉस कोलैबोरेशन, ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉन्टेक्स्ट इंटरफेसेस, नेमस्पेसेस, क्यूरिएबल सोर्स कोड्स, मीटा कोड फॉर इंजीनियर्स, डिजाइन अल्टरनेटिव्स, मैजिक मेथड्स, डिजाइन पैटर्न डिटेक्शन, ऑटो एक्टिव फैक्शन वेरिफिकेशन, कपल एंड सेपरेशन कोइंसिडेंसेस। थर्ड वाला जो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है ना उसको हम स्टोर करते हैं फॉर्म्स में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं ना, समथिंग यूनिक है उसके पास कुछ यूनिक होता है, यूनिक आइडेंटिफायरेबल्स होते हैं, जैसे विच मॉडल्स, कुछ जो मॉडल्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए भी होते हैं, जिनके पास स्टेट और बिहेवियर मौजूद होता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस जो डाटा बेस होता है ना, उसके बाद कैपेबिलिटीज होते हैं कवरेज होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रेडिक्शंस की फॉर प्रोग्रामिंग के लिए और डाटाबेसेस के लिए, जो कि कंबाइन करते हैं ड्यू टू रिमूव दी लिमिटेशन को रिमूव करके, जो कि रिलेशन डाटाबेस पर लगी होती है एंड ऑन द डिमांड ऑफ सम एडवांस एप्लीकेशन और कुछ सम एडवांस एप्लीकेशन की डिमांड पर। इस पेपर में हमें जरूरत है कि हम ऑब्जेक्ट डाटाबेस को अप्रोच करें फॉर ऑब्जेक्ट डाटाबेस। हम ऑब्जेक्ट डाटाबेस को अप्रोच करें डाटाबेस ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिक्वायर हमारे पास होते हैं रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर डाटाबेस। रिक्वायरमेंट जो हमारे पास डाटाबेस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डाटाबेस है, परस्पेक्टिव जो है हमारे पास ऑफ ऑब्जेक्ट डाटाबेस, आर्किटेक्चर जो अप्रोच करता है ऑब्जेक्ट डाटाबेस को, जो कि अचीवमेंट्स होती है हमारे पास और वीकनेसेस होती हैं ऑफ ऑब्जेक्ट डाटाबेस की एंड कंपेरिजन की, जो कि हमारे पास रिलेशन डाटाबेस के साथ हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक इंडस्ट्री 4.0 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इसमें जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है कंबाइन कर लेती है साइबर फिजिकल सिस्टम्स को विद इंडस्ट्री ऑटोमेटेशन सिस्टम के साथ दी इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम। इसमें जो इंटीग्रेशन सिस्टम होता है ना वो डिफरेंट होता है नेचर इनसे, जो कि क्रिएट करता है कॉन्टेक्स्ट अवेयर फैक्ट्रीज को इन विच जिसमें लोग और मशीन जो होते हैं ना वो रियल टाइम अलाइनमेंट्स होते हैं। ये जो पेपर एग्जामिन करता है कि चेंज प्रोसेस ट्रिगर बाय इंडस्ट्री, जब चेंज प्रोसेस करते हैं ट्रिगर के थ्रू फ्रॉम अ कंसेप्चुअल परस्पेक्टिव से वी फाइंड दैट, हम फाइंड करते हैं कि ऑब्जर्व पैटर्न जो थे ना फॉर चेंजेस, उनके पास वो चेंजेस अलाउ नहीं करते बट हैव अ लॉट इन कॉमन, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कॉमन मौजूद होते हैं विद दी पैराडिगमेटिक शिफ्ट। पैराडिगमेटिक शिफ्ट के साथ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रॉम स्ट्रक्चर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट तक, इसकी जो लेटेस्ट अप्रोच है ना फीचर्स की टू बी इंक्रीमेंट और जो कि इंक्रीमेंट करते हैं प्रोडक्शन फेज में आर्किटेक्चर इन दी प्रोडक्ट में एंड प्रोसेस डिजाइन फेज में। हम अग्री करते हैं दैट इंडस्ट्रीज है 4.0 विल बी इक्वली पैराडिगमेटिक होती है और मीन्स माइंडसेट चेंजिंग होती है आर्किटेक्ट्स के लिए, और जो इंजीनियर्स होते हैं ना एज टू क्राफ्टिंग, वो क्राफ्टिंग प्रोडक्शंस को यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए और क्रिएट करते हैं प्रोड्यूस को फॉर द फ्यूचर के लिए। लास्ट वाइफ सिस्टमेटिक लिटरेचर भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक का,
जैसे उन्होंने यूजबिलिटी का यूज़ किया है कि सेंसरी है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू मीन्स कि ये यूजबिलिटी प्लेस है ना प्ले करती है एक वाइटल रोल को। ये यूजबिलिटी जो है एक मोर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ऑब्जेक्ट और एंटी मैट्रिक्स का। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना यूजबिलिटी के इस टू इनहेंस वो उसको बढ़ा देते हैं उसकी क्वालिटी को और दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं जो कि इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी को और रिड्यूस कर देता है कॉस्ट एफर्ट को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है और लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ हैवन होते हैं एक्साइटिंग फीचर्स होते हैं जो कि टेम्पलेट्स होते हैं विच है जो कि प्रोवाइड करते हैं यूजबिलिटी कंपोनेंट्स को थ्रू विच वी कैन डिवेल्प जिसमें हम डिवेल्प कर सकते हैं ही यूजेबल फंक्शंस को एंड क्लासेस को। इन दिस पेपर इस पेपर में हम एनालाइज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स को एज वेल एज दी सी एम मैट्रिक्स सूट्स। सेवरल रिसर्चेज हमने स्टडीज किए सॉफ्टवेयर यूज की बट स्टिल रिमेन इन द स्टडी ऑफ रीयूजबिलिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। पेपर क्लियरली पॉइंट आउट कर देगा कि हमारे पास जो नेसेसिटी है रीयूजबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए और हमें जरूरत होती है रिसर्च के लिए इन दिस एरिया इस एरिया में।